हेलो एवरीवन वेलकम टू ई लर्न और आज की इस वीडियो में हमें बात करनी है सेक्शन वाइज शॉर्टिंग ऑफ 15 ईयर क्वेश्चन फॉर फूड टेक्नोलॉजी जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने जुलॉजी बॉटनी बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी के बारे में डिटेल में बात करी थी तो आज ये हमारी लाइफ साइंस की सब्जेक्टिव लास्ट वीडियो है जिसमें हम फूड टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं तो फटाफट शुरू कर देते हैं सबसे पहले हम सिलेबस को देख लेते हैं तो इसमें टोटल फोर ही सेक्शन है ठीक फोर्थ सेक्शन में क्या है फूड केमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन फूड माइक्रोबायोलॉजी तो आप इसके पहले तो सिलेबस को देखिए हमें लगता है कई बार स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि जो हमारा फूड टेक्नोलॉजी है उसमें काफी कम सेक्शन है सेक्शन उसमें कम है लेकिन टॉपिक्स इतने ज्यादा है उसमें पढ़ने के लिए हर एक टॉपिक का वेटेज है किसी ना किसी उससे क्वेश्चन पूछ लिया गया है ठीक है तो ये यदि आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा आपको सारे सेक्शन प्रिपेयर करने हैं प्लस में यदि आप इसका सिलेबस देखें तो काफी वास्ट है तो आप इसको हल्के में मत लीजिए कम सेक्शन है तो हम इजीली प्रिपेयर कर लेंगे ना इसमें क्या है कि जैसे अगर आप देखेंगे इतने सारे इसमें टॉपिक्स हैं कि ये बेसिकली आपके दो से तीन सेक्शन का एक ही सेक्शन बना के रखा है उन्होंने ठीक तो इसमें क्या है पहला सेक्शन है आपका फूड केमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन एंड सेकंड है आपका फूड माइक्रोबायोलॉजी यदि आप थर्ड सेक्शन देखेंगे तो वो है फूड प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी एंड फूड इंजीनियरिंग तो टोटल आपके क्या है फोर ही सेक्शन है लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग लगता है कि हाउ टू प्रिपेयर प्रिपेयर कैसे करना है प्रिपेयर करना है स्मार्ट अप्रोच के साथ तो यहां पर मैंने क्या किया है शॉर्टिंग सेक्शन वाइज नहीं करी है यहां पे मैं आपको वेटेज बता रही हूँ क्योंकि टोटल फोर ही सेक्शन है अब इसमें आप सेक्शन वाइज यदि शॉर्टिंग भी कर रहे हैं तो आप क्या ही शॉर्टिंग करेंगे है ना तो मैं हर एक सेक्शन का आपको एक बार वेटेज बता देती हूँ कि वेटेज क्या रहा है तो आप अगर देखेंगे कि फूड माइक्रोबायोलॉजी से एट्टी क्वेश्चन आए हैं तो ये वाला जो आपका सेक्शन है इसका काफी वेटेज रहा है इस एग्जामिनेशन में सेकंड जो आपका है वो है आपका फूड प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी से 60 क्वेश्चन पूछे गए हैं फूड केमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन 58 क्वेश्चन एंड फूड इंजीनियरिंग 40 क्वेश्चन तो इस तरीके से आपके फोर सेक्शन है और आप बीटेज को देख सकते हैं तो आप किसी भी सेक्शन को स्किप नहीं कर सकते पहले तो ये है आपको सारे के सारे सेक्शन ही प्रिपेयर करने हैं और उन सेक्शन में भी आपको सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं ठीक तो अगर आप इस एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं तो बस ये प्रायोरिटी है सेक्शन section, सारे सेक्शंस का वेटेज है है तो आपको पहले फूड माइक्रोबायोलॉजी प्रिपेयर करनी है, फिर आपका फूड प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी फूड केमिस्ट्री न्यूट्रिशन एंड फूड इंजीनियरिंग लेकिन आपको प्रिपेयर सारे के सारे ही टॉपिक्स करने हैं ठीक है थीक? तो इस तरीके से जो हमारी लाइफ साइंस की सब्जेक्टिव वीडियोस थी लाइफ तो साइंस में टोटल तो फाइव सब्जेक्ट थे जिनमें से आपको कोई टू सब्जेक्ट चूज करने हैं तो तो आज वो five की वीडियोस हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं अब इसमें केमिस्ट्री बचता है aptitude, तो सारा डिस्कशन हम लास्ट में करेंगे तो आज एक तरीके से आप मान लीजिए कि जो आपका सब्जेक्टिव पोर्शन है गेट लाइफ साइंस के लिए वो आज आपका कंप्लीट हो गया है जो हमारी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो होगी उसमें हम गेट बायोटेक्नोलॉजी के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे और फिर हमें शुरुआत कर देनी है अपनी एनिमल फिजियोलॉजी की वो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है सारे सेक्शंस को नोट डाउन कर लीजिए और प्रिपरेशन करते रहिए अगर ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल थी तो एक बार आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी और जहां पर भी यदि आपको किसी चीज का कंफ्यूजन हो रहा है आप टॉपिक्स को नहीं अच्छे से प्रिपेयर कर पा रहे हैं कोई टॉपिक आपको टफ लग रहा है तो वो टॉपिक भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं तो उन सारे टॉपिक्स को हम कोशिश करेंगे कि यूट्यूब चैनल पर लेके आए जिससे आपकी प्रिपरेशन जो है स्मूद हो सके I wish you very all the best for your upcoming examination and thank you so much for listening.